हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने 5 ओवर का एक मैच किया था वेस्ट इंडीज़ के सामने, और आज की वीडियो में हम आपको ग्राफिक्स के बारे में बताएंगे और वेदर कंडीशंस। यहाँ सेटिंग्स में आप देख सकते हैं ग्राफिक्स लो, मीडियम, हाई, और वेदर कंडीशन भी होती है। तो हम नॉर्मली तो हाई ग्राफिक्स पे खेलते हैं, पर अभी आज हम लो ग्राफिक्स पे आपको दिखाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे, फिर हाई में दिखाएंगे। आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको वेदर कंडीशन भी दिखाएंगे। तो अभी हम लो ग्राफिक्स रखते हैं और बाकी सब सेम रखते हैं। वेदर कंडीशन हम अभी ये वाली रखते हैं, उसके बाद हम आपको दोनों वेदर कंडीशंस में हाई ग्राफिक्स के साथ दिखाएंगे, क्योंकि हाई ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं ग्राफिक्स को खेलने के बाद, देखने के बाद। अब आप यहाँ देख सकते हैं पीछे, जहाँ पे मेरा कर्सर एम्पायर के ठीक पीछे है, आप देख सकते हैं डिफरेंस। वहाँ पे आप देखिए अभी, और पीछे ऐसे देखिए आप, मतलब जो ये रेड और ऑरेंज वो है, वहाँ पे डिफरेंस देखिए अभी आप। आप सोच सकते हैं ये लो ग्राफिक्स का है। इसके बाद हम आपको हाई ग्राफिक्स का भी बताएंगे। तो लो ग्राफिक्स में तो अभी हम यही रखते हैं, अब आपको हाई ग्राफिक्स का बताते हैं। यहाँ से एग्जिट होके अब एक बार हम आपको हाई ग्राफिक्स का दिखाते हैं। डिफरेंस वहीं देखना है आपको जहाँ पे मेरा कर्सर मैंने अभी आपको दिखाया था। प्रीवियस सेटअप ही रख लेते हैं क्योंकि सब हमें सेम चाहिए। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं अपने आप ही। यहाँ पे वॉल क्लॉक जो है वो भी अच्छे से दिख रहा है सब। आपने डिफरेंस देखा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, ऐसे डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है लो और हाई ग्राफिक्स में। इसलिए हाई मैं प्रेफर करता हूँ, वरना आप लेने को तो कोई सा भी ले सकते हैं, नो इश्यूज़, पर मैं हाई प्रेफर करता हूँ। और अभी हम आपको वेदर कंडीशन का भी दिखाते हैं। हाई ग्राफिक्स में ही रखते हैं क्योंकि ग्राफिक्स उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए अभी हम सनी रखते हैं, फिर आपको क्लाउडी दिखाएंगे। और हमने आपको जैसे ग्राफिक्स में मीडियम वाला और ये वाला इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो फालतू में वीडियो खींचना होगा, हमें आपको बस अंतर बताना है। तो इसलिए हम अभी आपको बस ऐसे इन दोनों का ही दिखाएंगे डिफरेंस, फालतू में वीडियो को लंबी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं पिच में डिफरेंस, इनका जो शाइन ज़्यादा हो रहा है, जो क्लोथ्स है, कपड़े हैं इनके, ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। पर फिर उससे जो रोशनी का है वो बहुत जल्दी आ जाती है। आप देख सकते हैं पिच पे कितनी रोशनी सी आ रही है और खेलने में मज़ा नहीं आता है। और अभी अगर हम इसमें क्लाउडी वाला रखते हैं, तो आप डिफरेंस अपने आप देख लीजिए कितना अंतर है क्लाउडी और बिना क्लाउडी में। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले में हमने आपने देखा था कि कितना वो था, इसमें क्लोथ इतने शाइन नहीं कर रहे हैं। और पिछले हम आपको डिफरेंस दिखा देते हैं। पिछले भी आप डिफरेंस देख सकते हैं अब कितना हुआ है। पिच का जो कलर होगा वो आपको थोड़ा मतलब अच्छा सा, थोड़ा मतलब बैटिंग करने के लिए एकदम अच्छा लगता है वैसा कलर टाइप का, मतलब इतनी रोशनी नहीं रहती है। तो मैं सोचता हूँ आपको सब समझ आया होगा कि हाई ग्राफिक्स और लो ग्राफिक्स में क्या अंतर होता है और वेदर कंडीशंस में क्या अंतर होता है। तो अभी तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट ओवर, नेक्स्ट मैच में हम 10 ओवर का एक मैच रखेंगे और उसको हम पूरा नहीं दिखाएंगे, बीच बीच का दिखाएंगे। बीच बीच मीन्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी तक के लिए यहीं तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने डिफरेंस भी समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।